तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से बैकग्राउंड इरेज करना बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। और फ्रेंड, हम लोग फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए पिक्सआर्ट ऐप्स की मदद लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग पिक्सआर्ट ऐप्स को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप्स ओपन करती है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि आप लोगों को फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करने के लिए इसमें ना कोई इंटरनेट की ज़रूरत है, सिर्फ बिना इंटरनेट के फ़ोटो हम लोग फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आप लोग प्लस वाला आइकन दिखा दे रहा है, इस पर हम टैप करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें बैकग्राउंड इरेज करना है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई सी भी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद फ्रेंड, आप लोग के साइट में और कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग को कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सरकाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कटआउट का, तो आप लोग फ्रेंड उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड, हम लोग इस अपने मॉडल पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम अपने पूरे मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड कुछ इस तरीके से फ्रेंड। फिर उसके बाद फ्रेंड, इस तीर बाल पे क्लिक कर देना है हमें। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये कुछ लोडिंग लेगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो हमारा मॉडल सिलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड, ये कुछ रह गया है। तो फ्रेंड, हम लोग इस पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड, हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करके ये जहाँ जहाँ रह गया है फ्रेंड, वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैंने ड्रॉ कर लिया है। और फ्रेंड, आप लोगों को जहाँ भी बैकग्राउंड रह जाए, तो फ्रेंड आप लोग इस इरेज वाले ऑप्शन पे टैप करके कुछ इस तरीके से फ्रेंड जूम करके आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना फ्रेंड, तो आप लोगों का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक करके दिखा दूँ फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। और फ्रेंड, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा लगभग फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो ही गया है फ्रेंड।
तो फ्रेंड हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। फिर उसके बाद फ्रेंड इस सेव वाले पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड इस फोटो को सेव करने के लिए फ्रेंड ये तीर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड आप लोगों को, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड यह फ़ोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट और चैनल पर नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। तो फ्रेंड हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।